केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार निरंतर मंडी समितियों को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही हैं, लेकिन धरातल पर बैठे नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले जिम्मेदार लोग सरकार की फजीहत करवाने में कोई कसर छोड़ते नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा ही एक मामला नवीन मंडी स्थल हमीरपुर जनपद राठ से सामने आया, जहां व्यापारियों को अलर्ट हुई दुकानों में दबंग व्यापारियों ने नियमों को ताक पर रखकर मंडी समिति स्थल के अंदर ही अवैध दाल मिल स्थापित कर दी है। इतना ही नहीं, उन दाल मिलों के संचालन के लिए मंडी समिति के अंदर मौजूद तारों से ही कटिया भी लगा रखी है। मंडी समिति में तैनात अधिकारी कृषि विपणन निरीक्षक ने ही मंडी परिसर में संचालित अवैध दाल मिलों की बात की पुष्टि भी की है। कृषि विपणन निरीक्षक राज सिंह का आरोप है कि दबंग व्यापारियों को मंडी सचिव का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण मंडी के अंदर अवैध मिल संचालित हो पा रही है। बड़े स्तर पर मंडी समिति की बिजली का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। देश के अन्नदाता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा बनाई गई मंडियों में धड़ल्ले से संचालित हो रहे अवैध कार्य प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा समय समय पर होने वाले निरीक्षण पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। वहीं मामले में राठ मंडी में तैनात क्लर्क से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में 25% स्टाफ की कमी के चलते किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में 4 इंस्पेक्टर, 4 मंडी सहायक, 1 बाबू और 1 सचिव होना आवश्यक है। मैं राज सिंह। अच्छा, क्या है सर इधर? मैं यहाँ कृषि विपणन निरीक्षक पद पे हूँ। तो यही रहते हैं मंडी में? हाँ, मंडी में ही। मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, मंडी में क्या दाल मिले भी है वहाँ पर? बता रहे हैं वो चल रहा है, संभवतः 3 या 4 मिले हैं, जिसमें से 1 मिल तो हमारे आवासों के सामने ही संचालित है। अच्छा। और 2 मिले और पीछे गुड़ मंडी की तरफ संचालित है, अवैध रूप से संचालित है, अतिक्रमण भी कर रखा है उन्होंने। और इसके साथ ही उन्होंने जो मंडी की बिजली व्यवस्था है उसको दुरुपयोग करते हैं। अच्छा। तो आए दिन मंडी में बिजली व्यवस्थाएं भी खराब बनी रहती हैं जी। और उसका मंडी समिति के सहयोग मिलने की वजह से है, जबकि ऊपर से इस तरह का कोई परमिशन नहीं दिया जाता। किसका सहयोग है? सचिव का है कि बाबू? मंडी सचिव का है। तो इसकी जांच आती नहीं हुई, कोई शिकायत? जांच के बारे में आप उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए तो ही कुछ कार्रवाई। अभी कोई जांच हुई क्या बीच में, कोई तहसीलदार? हाँ, बीच में अवैध दालों के स्टॉक को लेकर के जांच हो रही थी, तो मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा ये बताया गया कि यहाँ कोई मिले नहीं है, कोई प्रसंस्करण इकाइयाँ इसके अंदर नहीं है, जबकि यहाँ संचालित है। अच्छा। इसके बाहर उन्होंने जांच कराने के लिए वो लोग लेके गए थे। अच्छा। जबकि मंडी के अंदर खुद ही 3-4 दाल मिले यहाँ पे संचालित हैं, उसको जांच करके उसके अंदर जो दुकानें हैं वहाँ पे लगी हुई हैं अवैध रूप से। अच्छा, अभी भी है, देख चल रही है? हाँ, अभी भी चल रही है, रात दिन चलती है, 24 घंटे 24x7 आवर्स चलती है। अच्छा। और बिजली का पूरी तरह से दुरुपयोग होता है, जो मंडी का बिल का भुगतान है वो मंडी समिति द्वारा किया जाता है इनका, और माल वो अपना चला रहे हैं, और सफाई छनाई जो भी कार्य करते हैं वो यहाँ की बिजली का उपयोग करके करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए जनरेटर वगैरह रख रखे हैं, लेकिन रात दिन जो है अवैध कटिया कनेक्शन आपको दिख सकते हैं, आप जब भी जाएंगे आवास के पीछे से डाल रखे हैं कटिया कनेक्शन वगैरह भी पड़े हुए हैं अभी, जिनको हाँ आप स्वतः जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पड़े हुए हैं।